गले में तुलसी पड़ी है, रुद्राक्ष पड़ा है, मन विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं पहने वो मन में आपके राम कृष्ण हरि चल रहा, बहुत बढ़िया बात है। अभिनव अरोड़ा को तो आपने YouTube Instagram पे काफी लोगों ने देखा ही होगा। कमेंट बॉक्स में लोग अभिनव अरोड़ा को गालियां दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं जमकर। Instagram, YouTube, जहाँ पे मिलता है उसकी, जहाँ पे रील आई वहीं पे उसको गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक 9 साल का बच्चा ही है ना। और जो जिस प्रकार से वो जा रहा है उस प्रकार से उसको ये सब अच्छा नहीं है। वो एक इनोसेंट बच्चा है जिसको अभी खेलने कूदने की उम्र है। ऐसे बच्चे को ट्रोल करना गलत है। उसके पेरेंट्स उसको जो भी बोल देंगे वो उसको बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू हो कहीं पे भी, जो भी मतलब उसके माँ बाप बोलेंगे उसको वैसा करना होगा, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लिए एक पैसे छापने वाली मशीन बन गई। अगर मैं समझो, मेरा व्लॉग चैनल है मेरा, चलो इंट्रो है मतलब मैं, हेलो गाइस नमस्ते कैसे आप सब लोग, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। मैं रोज यही बोलूंगा तो ये एकदम परफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने ये रट लिया। लेकिन जो मुझे अलग, इसके अलावा अलग चीज बोलनी पड़ेगी तो वो मेरे इतना मतलब सेम वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा। एक दिन, दो दिन, दस दिन कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो रट लिया ना वो हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। उसको एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि ये चाल लेनी तुझे, मतलब जहाँ पे भी तू जाएगा, स्टेज पे हो या कहीं पे भी इंटरव्यू, जहाँ पे भी आएगा वो रटी रटाई बातें बोलता है। उस वो कुछ अलग अपने दिल से या अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बोलता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। हर बार डिट्टो सेम बात का सेम पैटर्न, जितना मतलब हर जहाँ पे भी वो बोलता है पूरा सेम टू सेम कॉपी। साला प्रिंटर भी एक बार तो कहीं पे ब्लैक लाइन डाल देगा, लेकिन ये ब्लैक लाइन क्या प्रिंट में मतलब कॉपी ऐसा करता है कि एकदम डिट्टो कॉपी करने में। ये ऑब्वियस ये बात है कि अगर समझो मेरे दिल से बात आएंगे ना तो वो मतलब एक हर जगह पे सेम वर्ड नहीं निकलेंगे। आज यहाँ पे कुछ अलग निकला है, यहाँ पे कुछ अलग निकला है, कल कहीं पे दूसरी जगह इंटरव्यू दूंगा तो वहाँ पे अलग निकलेंगे। अगर मैं रट के जाऊँगा ना तो सेम एक ही लाइन में 6 महीने तक बोल सकता हूँ। मतलब इसके पापा ने इसको कुछ नोट्स दिए और एग्जाम हॉल में बैठा दिया कि हाँ ये तेरी एग्जाम है तो इसको क्लियर कर। अगर समझो उसके बाप ने उसको रटवाने के लिए पूरा मतलब एक चिट्टा या मतलब कुछ दे दिए, नोट्स दे दिए, अगर उसके सामने उससे अलग कुछ विपरीत आ गया ना तो फिर भाई की दुकान फटनी है। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला आपके दिमाग में, क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि अभिनव को ये बातें सिखा कौन रहा है। अभिनव सेम रिपीट वही चीजें करता है जो उसके पिताजी करते हैं। और आप एक चीज और नोटिस करना, हर जगह वो एक ही स्टोरी को बार बार सुनाना, मतलब यही डिट्टो एकदम मतलब यही लाइनें उसका बाप भी यूज करता है। बहन जो, ये तो मेरा खुद का कंप्यूटर है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ऑपरेट करना, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से चलाओ। पैसे छाप रहे हैं ना हम तो अपन जैसे बोलेंगे वैसे वो काम करेगा, तो क्यों तकलीफ है किसी को। मतलब आप कोई भी वीडियो आज से पहले के उसके अभिनव के कोई भी वीडियो देख लो, डिट्टो कॉपी करके वो वीडियो पे बात करने की कर। आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठ कर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व होता। एक वर्ड भी बता दो, आगे आगे की लाइन, पीछे पीछे की लाइन, आगे उठा के जरूर बोलेगा लेकिन आगे पीछे की लाइन मतलब एक लाइन भी, एक बात भी वो नहीं बोलता है भाई। अलग वो दिल से निकालता ही नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप जो बोलेंगे वो वही करता है। चंडाल के समान है जिन हरी भगति। थोड़ी सी चीटिंग नोट्स में, क्योंकि थोड़ी चीटिंग तो चलती है, एग्जाम में भी करते हैं तो ये तो भगते चूती हैं, इनको तो क्या ही पता चलेगा, चीटिंग तो कर लेते हैं ना। और आप ये बच्चों को देखोगे ना तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये मतलब दिल से बोल रहे हैं। ये या तो साइड में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, सामने देखेंगे, आपको 1% भी नहीं लगेगा कि मतलब ये अपने दिल से बोल रहे हैं, ये रटी रटाई चीज़ें ही बोल रहे हैं। इतने महान कथावाचक है वो, मतलब इतनी दिल से आवाज़ें निकालते, दिल से बोलते हैं ना, वो हमको भी समझ में आता है, वो फील होता है कि हाँ जो भी बोल रहे हैं वो अपने दिल से बोल रहे हैं। लेकिन मतलब उनकी अलग एनर्जी रहती है, उनका अलग ओरा रहता है, वो दिख जाता है बंदों को या भक्तों को, जिनको भी दिख जाता है कि हाँ ये बाबा जी मतलब दिल से बोल रहा है। और आप ये बच्चों की वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये बात कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये रिसाइकल मतलब ये चीजें फिर से बार बार यही दोहरा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं।
मैडम ने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बोलो मेरा स्कूल मेरी जान है। मैं क्यों बोलूँ, मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है। मतलब ये सोशल मीडिया है, जो दिखाया जा रहा है ना वैसा है नहीं। अभी आप अगर इनकी लाइफ में अंदर जाके देखोगे ना, तो इनको खुद को पता नहीं कि इनके कितने मतलब तकलीफें चल रही है, इनके इनके घर वाले कितना टॉर्चर कर रहे हैं। और बिहाइंड द कैमरा आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितने प्रेशर में है। बच्चे भगवान का रूप होता है, ये तो पूरी दुनिया ने माना है। ये आज के टाइम में भाई इन्हें छोटे छोटे बच्चों को कार्टून देखना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, फुड़वाना चाहिए, अपना टांग तुड़वाना चाहिए, ये सब करना चाहिए भाई आज के टाइम पे। ये यही बच्चों का खेलने कूदने, जिसको लगना चाहिए ढोलकपुर नाम का गांव आजकल एग्जिस्ट करता है, उसका सुबह उठ के 3:30 बजे उठना। अभिनव को इंटरव्यू में बुलवाया जाता है कि जब से वो समझदार उसमें समझ आई है, तब से वो भक्ति में लीन है। वो सेम कपड़े पहन रहा है, सेम कृष्ण भगवान के या किसी भी धार्मिक अपने धार्मिक स्थान पे जाता है। वो जब से ऐसा कर रहा है, जब से उसमें समझ आई है, धोती कुर्ता पहनता है, मालाएं पहनता है, येलो कपड़े धारण करता है, राधा रानी का पाठ करता है। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि लगे कि हाँ भाई दूसरे बच्चों से कितना अपना बच्चा अलग है। ये सरोज जोशी को ब्लॉग देखते हैं तो ये नहीं देखना चाहिए, कितना सुंदर, कितने उच्च विचार हैं। मतलब पूरी दुनिया में बच्चे नहीं है, सबसे उच्च विचार वाला बंदा यही है, मतलब बच्चा यही है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा, क्योंकि संस्कार है ना बच्चे में। ये अभिनव भी पहले बाकी बच्चों की तरह ही रहता था। एक वीडियो अवेलेबल है जो इसके फादर की कंपनी के मतलब कुछ प्रमोशन होगा, उसमें उस बंदे ने कपड़े पहना और वो सामने आ गया। अभिनव बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में केक कटिंग कर रहा है। मतलब नई वीडियो डालने से पहले पुरानी वीडियो को डिलीट करना भूल गया इसका बाप।